हाय स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी OSI मॉडल। इसमें हम देखेंगे कि ये OSI मॉडल जो है ये किस तरह से डेटा कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करता है रिसर्चर्स को, डेवलपर्स को, और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के अंदर। सो आवर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ OSI मॉडल। तो OSI मॉडल बेसिकली क्या है? ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसको कहते हैं, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन जो है इसने ये बनाया था। और ये बेसिकली क्या है? एक रेफरेंस मॉडल है जो कि रेफरेंस प्रोवाइड करता है डेटा कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर जो रिसर्चर्स हैं और जो डेवलपर्स हैं उनके लिए, ताकि वो डिफरेंट जो टास्क हैं डेटा कम्युनिकेशन में उनको वो कैसे परफॉर्म कर सकें फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड। क्योंकि जितनी भी डेटा कम्युनिकेशन है उसमें कोई एक चीज़ तो इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें एप्लीकेशन से लेकर जो है वो फिजिकल लेयर तक, यानी कि डेटा को दोबारा फिर फिजिकल चैनल में किस तरह से लेकर जाना है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम छोटे छोटी लेयर्स में डिवाइड कर दें या छोटे छोटे बॉक्सेस में किस्म का बंद कर दें, और हर बॉक्स के अंदर जो है वो अलग से रिसर्च की जाए और ट्रबल शूटिंग में भी हेल्प हो जाएगी, और नई चीज़ें जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आते हैं उनको भी काउंटर करने में आसानी हो जाएगी अगर हम छोटे छोटे टास्क बना दें बड़े टास्क का। तो ऐसा नहीं है कि OSI मॉडल जो है वो सिर्फ हम नेटवर्किंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम लेयर्स की फॉर्म में करते हैं। फॉर एग्जांपल, इजी पैसे सर्विस जो है वेरी कॉमन इन पाकिस्तान कि आप किसी को भी पैसे जो है भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है लाहौर में और वो इस्लामाबाद में किसी को भेजना चाहता है पैसे, तो डेफिनेटली वो किसी इजी पैसे एजेंट के पास जाएगा, वहाँ पर उसे पैसे देगा और अपनी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन देगा। तो पहला काम उसने ये किया, यानी कि टॉप लेयर पे उसने ये काम किया। उसके बाद एजेंट है वो उसके लिए ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करेगा, यानी कि जिसको उसने पैसे भेजने हैं और जो भी एक प्रोसीजर है उसके ऊपर काम करके, यानी कि मिडल में एजेंट ने काम किया मिडल लेयर के अंदर। और उसके बाद क्या करेगा, जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो जाएगी तो एजेंट जो है वो सेंडर को एक ट्रांजेक्शन कोड देता है ताकि उसको पता चले कि उस वो ट्रैक कर सके अपने ट्रांजैक्शन को, प्लस वो पैसे भी दूसरी जगह से रिसीव कर सके। तो ये बॉटम लेयर पे, यानी कि सबसे पहले एंड पे उसने ये काम किया। लेकिन ये काम बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा रिसीवर एंड पर, यानी कि सेंडर को जो है वो ट्रांजैक्शन कोड मिला सबसे एंड पे, लेकिन रिसीवर को सबसे पहले कोड ही बताना पड़ेगा जाकर एजेंट को, यानी कि उसके लिए जो सेंडर के लिए जो बॉटम लेयर थी वो रिसीवर के लिए टॉप लेयर होगी। ये आपको भी जाके अगली स्लाइड में समझ आएगी ये बात। इन शॉर्ट के उधर से रिसीवर जो है वो पहले जाकर एजेंट को ट्रांजैक्शन कोड बताएगा, एजेंट जो है वो ट्रांजैक्शन कोड के हवाले से देखेगा कि किसने पैसे भेजे हैं, किसको पैसे आए हैं और कितने पैसे आए हैं, और इन दी एंड वो उसकी आइडेंटिटी जो है वेरीफाई करने के बाद रिसीवर की वो जो पैसे उसको आए होंगे वो उसको दे देगा। तो ये सारा काम वो लेयर्स में कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले एक स्टेप करते हैं फिर वो दूसरा स्टेप परफॉर्म करते हैं फिर वो तीसरा स्टेप परफॉर्म करते हैं। इससे क्या होगा कि अगर किसी भी एंड पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आसानी हो जाएगी कि या ये रिसीवर एंड पे कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई कोड गलत बताया जा रहा है या एजेंट ने ट्रांजेक्शन को सही परफॉर्म नहीं किया, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी किसी भी एंड के ऊपर, किसी भी स्टाफ के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है उसको हम काउंटर कर सकते हैं। यही काम हमें डेटा कम्युनिकेशन के अंदर भी करना है। वैसे मॉडल लेयर्स जो है ये बेसिकली दीज आर सेवन लेयर्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। अब ये सेवन लेयर्स हैं। अगर आप सेंडर से आप आए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर आती है, लेकिन अगर आप रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिजिकल लेयर पहली लेयर आती है। लेकिन आपको हर जगह पे इसी सीक्वेंस के अंदर ही नंबर लिखे हुए मिलेंगे, फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, इस पे ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सो ऑन। लेकिन सेंडर के एंड से ज़रा समझना आजकल ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आजकल जिस तरह हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं सेंडर के एंड से हमें समझना OSI लेयर को आसान हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। अब हाउ टू रिमेंबर द OSI मॉडल सीक्वेंस, यानी कि आप OSI मॉडल की जो लेयर्स हैं उनका किस तरह से आपने सीक्वेंस में याद करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है जो फेस करनी पड़ती है कि वो एक तो इनका सीक्वेंस भूल जाते हैं, प्लस वो इनके नंबर्स भी भूल जाते हैं, नंबर भी आगे पीछे कर देते हैं। हो सकता है वो एप्लीकेशन लेयर को नंबर वन कह दें, फिजिकल लेयर को नंबर सेवन लेयर कह दें। तो ये बड़ा फेमस सेंटेंस है जो आपको इंटरनेट पे और कई बुक्स में मिल जाएगा कि ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। अगर आप ये सेंटेंस याद कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले पहले अल्फाबेट से आप लेयर का नाम याद कर सकते हैं,
ऑल में ए जो है वो एप्लीकेशन है, पीपल में पी प्रेजेंटेशन है, सी में सेशन है, टी से ट्रांसपोर्ट है, नीड में नेटवर्क के लिए है, डेटा में डेटा लिंक है, और प्रोसेसिंग में पी जो है फिजिकल लेयर है। तो ये आप याद कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं जो मैंने एग्जाम में अक्सर जो है उसको मैंने देखा है, वो ये है कि अगर मैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लूँ या वैसे कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द फिफ्थ लेयर इन ओएसआई मॉडल, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनको तो अब समझ होती है वो सेशन लेयर को फिफ्थ लेयर लिख देते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो दे स्टार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट, वो नेटवर्क लेयर को लेयर 5 लिखते हैं, जो कि रॉन्ग है। नेटवर्क लेयर इज द थर्ड लेयर इन ओएसआई मॉडल। तो ये आपने जहन में रखना है कि इसी तरह से इनकी नंबरिंग है, वो हम समझने में हम उसको कभी एप्लीकेशन लेयर से समझ लेते हैं और कभी फिजिकल लेयर से टूवर्ड्स द एप्लीकेशन लेयर समझ लेते हैं। तो आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हम एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करेंगे समझना। तो फंक्शंस ऑफ ओएसआई मॉडल लेयर्स हम स्टेप बाय स्टेप फंक्शन समझते हैं। तो हमारे पास ये जिस लेयर नंबर 7 थी, हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या है, ये बेसिकली प्रोवाइड्स इंटरफेस टू ह्यूमन और सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज, यानी कि ये हमें एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगी जिस एप्लीकेशन को यूज करके हम कोई डेटा जनरेट कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्काइप की एप्लीकेशन है, ये आप यूज कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। ये आपको एप्लीकेशन जो है यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है जिसमें आप टेक्स्ट मैसेजिंग भी कर सकते हैं, यानी कि किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं आप, डेटा सेंड कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकते हैं, आप किसी को कॉल कर सकते हैं, इसी तरह कॉन्टैक्ट ऐड करना है, वट एवर कुछ भी है, आपको एक यूजर इंटरफेस उन्होंने प्रोवाइड कर दिया डेटा को जनरेट करने के लिए। सिमिलरली ईमेल सर्विसेज हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि आपको ब्राउजर के अंदर भी ईमेल सर्विस आप यूज कर सकते हैं, और आपके मोबाइल फोन के अंदर भी आजकल ईमेल सर्विसेज या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक सर्विसेज जो है वो आप अपने लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हैं। तो आपको एक एप्लीकेशन दे दी गई है जो किस तरह से आप ईमेल सर्विस को यूज कर सके। सिमिलरली क्लाउड डेटा सर्विस के लिए भी आपके पास आई क्लाउड अवेलेबल है, एक एप्लीकेशन है। सिमिलरली आपके पास गूगल ड्राइव की सर्विस अवेलेबल है, वो आप ब्राउजर में भी यूज कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं अपने डेटा को। और यू कैन यूज बाय यूजिंग सम एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव एप्लीकेशन और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एप्लीकेशन इन योर सेल फोन। तो सिमिलरली फाइल ट्रांसफर सर्विसेज भी हैं, जैसे व्हाट्सएप एक फाइल ट्रांसफर सर्विस है, या बेसिकली देखा जाए तो आप वहाँ से टेक्स्ट मैसेजिंग के अलावा अपनी फाइल्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और बहुत सारी अदर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज जो हैं एप्लीकेशन लेयर पे काम करती हैं। तो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं HTTPS, आप देखते हैं कभी भी आप ब्राउजर के ऊपर HTTPS लिखें तो लिखा हुआ आएगा ऊपर https://www.google.com या https://lecturesclub.com, कुछ भी आपको वेबसाइट ऊपर ब्राउजर में HTTPS प्रोटोकॉल जो है वहाँ पे काम करता है। आई मैप ईमेल सर्विस के लिए है, POP3 भी ईमेल सर्विस के लिए, इसमें आर लॉगिन भी एक जो है वो प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का। तो समझ लें कि आपने स्काइप सर्विस यूज़ करनी है, इसी को हम लेकर चलेंगे। आपने स्काइप से किसी को कोई पिक्चर भेजनी है, ठीक है, समझ आ गई आपको कि आपके पहला टास्क क्या है कि आपने स्काइप से किसी को पिक्चर भेजनी है। अब आपने किसी को पिक्चर भेजनी है तो अब क्या हो गया कि आपने एप्लीकेशन लेयर यूज करके आपने पिक्चर को अपलोड किया और उसको बस आपने अब सेंड करना। जब आपने सेंड का बटन दबाया तो काम शुरू हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, वो आपकी पिक्चर जो आपने भेजी है उस पर इंक्रिप्शन अप्लाई करेगी, डेटा कंप्रेशन अप्लाई करेगी और ट्रांसलेशन प्रोसेस अप्लाई करेगी। इंक्रिप्शन का क्या मतलब है कि आपकी पिक्चर को, आपके डेटा को सिक्योर बनाया जाए, उसमें एक्स्ट्रा बिट्स ऐड की जाती हैं या इंक्रिप्शन का कोई टेक्निक या प्रोसेस अप्लाई किया जाता है ताकि आपका डेटा हैक ना हो सके और वो आसानी से जो है वो चोरी ना हो सके, कोई उसको आसानी से चोरी ना कर सके। डेटा कंप्रेशन, उसको कंप्रेस भी किया जाता है, कंप्रेशन इसलिए की जाती है क्योंकि जो कंपनीज हैं आपका एक तो डेटा सेव हो जाएगा, प्लस कंपनीज के पास लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं, लिमिटेड उनके पास बैंडविड्थ होती है, तो वो डेटा को कंप्रेस करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है वो यूज़र इसमें से भेज सके, तो हमेशा कंप्रेशन टेक्निक्स भी अप्लाई की जाती है। और ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस तो किसी कॉमन फॉर्मेट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देना, जो ऐसा फॉर्मेट जो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई चीज भेजी है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो कॉमन फॉर्मेट डेफिनेटली होना चाहिए जो विंडोज और मैक दोनों समझ सके। अगर आपने आईफोन से भेजना है आपने डेटा को अपने एंड्रॉयड फोन में, तो कोई कॉमन फॉर्मेट होना चाहिए, तो वो कॉमन फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने स्काइप से जो पिक्चर भेजी थी उस पर इंक्रिप्शन हुई, उसको सिक्योर बनाया गया, कंप्रेस भी किया गया, उसमें रिडंडेंट डेटा निकाला गया, उसको किसी कॉमन कोड, फॉर एग्जाम्पल ASCII कोड्स में या किसी कोडिंग टेक्निक में कोड में उसको कन्वर्ट कर दिया गया कॉमन फॉर्मेट के अंदर।
उसके बाद आज सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है, ये बेसिकली आपका सेशन बनाती है आपके रिसीवर के साथ, यानी कि रिसीवर को फॉर एग्जांपल वो एक पिंग चला जाएगा या एक मैसेज चला जाएगा कि डेटा इज कमिंग, डेटा आ रहा है, ठीक है जनाब। तो एक सेशन बनाएगी आपके दरमियान में, रिसीवर के दरमियान में और सेंडर के दरमियान में। और वो आप जो वो डेटा भेज रहे हैं वो सिंप्लेक्स भी हो सकता है, वो हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, वो फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। तो ये मैंने हाफ सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के लिए मैंने अलग से टॉपिक जो है उसके लिए मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप वो भी सुन सकते हैं, यहाँ पर मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। अब इसके अलावा ये क्या करती है, ये लेयर जो है ये जगह जगह चेक पॉइंट्स भी बनाती है, यानी कि आपने जो भी डेटा भेजना है उसके चेक पॉइंट्स बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल 100 बिट्स हैं या 200 बिट्स हैं, उसके बाद आपका चेक पॉइंट लग जाएगा, यानी कि हर कुछ बिट्स के बाद या कुछ डेटा पैकेट्स के बाद वो चेक करेगा कि कोई डेटा पैकेट गलत तो नहीं चला गया या सॉरी खराब तो नहीं हो गया या कोई बिट्स खराब तो नहीं हो गई। वो उनको दोबारा आसानी हो जाएगी हैंडल करने में, जैसे कि वो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1000 बिट्स हैं, 1000 के 1000 बिट्स के भेजने के बाद चेक नहीं करेगा, वो हर 100 बिट्स के बाद या हर 200 बिट्स के बाद चेक करेगा कि जो 100 बिट्स भेजी थी वो खराब, उनमें से कोई खराब तो नहीं होगी, अगर खराब हो गया तो उसको रिकवर कर लेंगे। फिर वो हर अगली 100 बिट्स के बाद चेक करेगा, फिर अगली 100 बिट्स के बाद चेक करेगा। इस तरह से आसानी हो जाएगी अगर कोई एरर आ गया ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स का बताया हुआ है कि फुल डुप्लेक्स क्या है, उसका मतलब ये है कि बोथ वेज बोथ सिस्टम्स कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। ये आप लेक्चर भी मेरा सुन सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। अब कुछ सेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे एप्पल टॉक है, पैप है, एसएमटीपी और आरपीसी, दीज आर द सेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। उसके बाद आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या करती है, एक मेन काम तो ये करती है कि आपका ऊपर से जो भी डेटा आया एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर से जो भी डेटा आया उसके वो छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाएगी, यानी कि छोटे छोटे उसके पीसीस बना देगा। जब वो पीसीस बनाएगा तो आसानी हो जाएगी, एक तो डेटा को भेजने में भी आसानी हो जाएगी, हम देखेंगे कैसे आसानी होगी, प्लस एरर में भी कंट्रोल में आता है इससे डेटा, और अगर पूरे का पूरा डेटा जाया नहीं होता और हमें आसानी से डेटा जो है रिकवर करने में भी आसानी हो जाती है अगर कोई डेटा में एरर आ जाए तो। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ से डेटा जो था वो आपका एप्लीकेशन लेयर से आया, उसमें इनक्रिप्शन थी, कंप्रेशन थी और उसमें ट्रांसलेशन प्रोसेस भी था, उसको उसने छोटे छोटे सेगमेंट्स बना दिए। अब ये जो है सेगमेंट, अब हर एक सेगमेंट का एक नंबर भी लगाएगा वो, यानी कि इसको नंबर 1 कह देगा, इसको नंबर 2 कह देगा, किसी को नंबर 3 एंड सो ऑन, ताकि डेटा को भेजा जाए तो आसानी से रिकवर भी किया जा सके रिसीवर एंड के ऊपर। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर एक और काम करती है, जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपने रैम है, आपकी रैम के अंदर आपने मल्टीटास्किंग के लिए आप क्या कहते हैं ऑनलाइन गेम भी खेल रहे हैं साथ में, आप कोई व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेगी वो इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि जो आपका डेटा आ रहा है वो किस प्रोसेस का है, यानी कि व्हाट्सएप वाले प्रोसेस का है या आपका जो डेटा है गेम ऑनलाइन गेम के हवाले से है। तो नेटवर्क लेयर इस हवाले से भी जो है ये काम करती है कि जो इंडिविजुअल प्रोग्राम जो आप रन कर रहे हैं, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोसेस कहेंगे, कि इंडिविजुअल प्रोसेस का जो डेटा है वो मिक्स ना हो, यानी कि व्हाट्सएप का डेटा किसी और एप्लीकेशन को ना चला जाए या किसी और एप्लीकेशन का डेटा व्हाट्सएप की तरफ ना चला जाए। अब ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स यूडीपी टीसीपी इज अ वेरी फेमस प्रोटोकॉल, क्योंकि ओएसआई मॉडल बेसिकली एक रेफरेंस मॉडल है और टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है, और टीसीपी इज द बैकबोन ऑफ टूडेज इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो आज जो हम टीसीपी प्रोटोकॉल के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, सर डीसीसीपी भी एक प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। उसके बाद आता है आपका नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क के अंदर जब डेटा जाना है तो डेफिनेटली नेटवर्क के अंदर देर आर प्लेंटी ऑफ डिवाइसेस आर इन्वॉल्व, राउटर्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर और बहुत सारे जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो जब नेटवर्क के अंदर जाएगा डेटा तो डेफिनेटली उसको किसी ना किसी आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क है तो आईपी एड्रेस तो होगा। तो अब जो सेगमेंट था हर सेगमेंट के आगे एक एक आईपी एड्रेस लगा दिया गया। आईपी एड्रेस क्या था, सोर्स यानी कि जहां से आईपी जहां से सेगमेंट आ रहा है और डेस्टिनेशन जहां पर जाना है। अब एक पैकेट जो है उसके अंदर कई सेगमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि एक पैकेट में एक से ज्यादा सेगमेंट हो सकते हैं, लेकिन हर सेगमेंट जो है उसको एक लगा होगा आपका आईपी एड्रेस, ताकि पता चले कि ये कहां से आ रहा है और इसने कहां पर जाना है, क्योंकि राउटर्स जो है वो आईपी एड्रेस की बेस पर ही आपके डेटा को राउट करेंगे कि आपने किस डेस्टिनेशन पर आपने डेटा को भेजा है। तो हेडर इंफॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पर ऐड की जाती है, जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। उसके बाद ये उसके नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 और आरआईपी भी आपको एक प्रोटोकॉल जो नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है।
अब आपका डेटा जो है उसने जाना है लिंक के ऊपर, और अब क्या होगा कि समझे कि आपका डेटा के सेगमेंट बने, सेगमेंट से आईपी एड्रेस बना, और आप उसको एक किस्म के एक मेन फ्रेम में कई पैकेट्स को उन्होंने क्या किया कि पैक कर दिया, यानी कि आप इकट्ठे एक बस्ट भेज दिए पैकेट्स की, 10 पैकेट इकट्ठे भेज दिए या 20 पैकेट इकट्ठे भेज दिए या 30 पैकेट इकट्ठे भेज दिए, ठीक है। अब जो 20-30 पैकेट इकट्ठे जाएंगे ना वो एक फ्रेम होगा, यानी कि सारे पैकेट्स का भी एक बड़ा पैकेट बन जाएगा, उसको हम फ्रेम कहेंगे, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, वो फ्रेम्स बनाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि डेटा लिंक लेयर की ओएसपी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये होती है कि डेटा को ऑप्टिमाइज करती है। फॉर एग्जांपल, यू आर सेंडिंग द डेटा टू अ रिसीवर हु कैन रिसीव ओनली 100 पैकेट्स पर सेकंड, लेकिन आपकी डिवाइस जो है जरा एडवांस है, आप 300 पैकेट्स इन 1 सेकंड जो है प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी डेटा लिंक लेयर है ये उसको ऑप्टिमाइज करवा देगी, यानी कि आपका जो सेंडर का जो कंप्यूटर या डिवाइस है उसको कहेगी कि भाई आपने 100 पैकेट्स पर सेकंड ही भेजने हैं, ताकि जो आपका रिसीवर है वो ओवरबर्डन ना हो जाए। ओवरबर्डन होने से डेटा लॉस हो सकता है, डेटा के फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है, तो देयर आर हाई चांसेस के डेटा लॉस हो जाए, तो उसको ऑप्टिमाइज भी करेगी स्पीड को, ठीक है जी। नंबर दो के क्या करेगी, डैमेज्ड और अगर कोई लॉस्ट फ्रेम है, यानी कि कोई फ्रेम जिसमें कोई पैकेट जाया हो गया या ओवरऑल फ्रेम ही खराब हो गया या फ्रेम पूरे का पूरा जाया हो गया, तो वो उसको मैकेनिज्म भी डिवाइस करेगी कि हमने उसको किस तरह से उसको रिकवर करना है, और इन दी एंड कि ये भी स्पेसिफाई करेगा कि जो लिंक है, जो डेवलप जो लिंक बना था उसमें कंट्रोल किसका है, यानी कि यूजर 1 का कंट्रोल है लिंक के ऊपर या यूजर 2 का कंट्रोल है, यानी कि अगर आप एक सिर्फ रिसीवर है दूसरा सिर्फ सेंडर है तो कंट्रोल किसका है। आप किसी सर्वर से डाउनलोड कर रहे हैं तो क्या सर्वर किसी भी वक्त कम्युनिकेशन एंड कर सकता है, या दोनों कम्युनिकेशन जो है किसी भी वक्त पे एंड कर सकते हैं। और फ्रेम रिले IEEE 802.11 FDDI, दीज आर द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स। एंड लास्ट वन और फर्स्ट वन भी कह सकते हैं, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कि आपके सिग्नल्स को उसने कन्वर्ट करना है, आपके डेटा को उसने बेसिकली कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके बिट्स को कन्वर्ट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, और अगर आप कोई ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं तो फिजिकली डेफिनेटली कन्वर्ट करेगी आपके डेटा को इन द फॉर्म ऑफ लाइट्स एनर्जी या लाइट सिग्नल्स, और अगर आप कोई वायर्ड नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो ऑप्टिकल फाइबर के अलावा वायर्ड नेटवर्क कोई और यूज कर रहे हैं, कॉपर वायर, कोई कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर जो आपके जो डेटा है उसको बेसिकली कन्वर्ट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो आप फिजिकल लेयर के प्रोटोकॉल क्या है, DSL, USB, ISDN और इथरनेट। तो अब आप समझ गए हैं कि एप्लीकेशन लेयर से आपका डेटा चला, उसके सेगमेंट्स बने, प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद उसको डेटा को भेजा गया, उसके बाद उसमें सेगमेंट्स बने, सेगमेंट्स बनने के बाद उसको आईपी एड्रेस लगा, आईपी एड्रेस लगने के बाद उसको फ्रेम में किया गया, फ्रेम में लगने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। तो अगर रिसीवर एंड होगा तो रिसीवर उसे उल्टा चलेगा, वो क्या करेगा, वो सिग्नल से दोबारा फ्रेम बनाएगा, फ्रेम से दोबारा पैकेट बनाएगा, पैकेट से दोबारा फिर वो सेगमेंट बनाएगा, फिर उसको डीकम्प्रेस करेगा या डीक्रिप्ट करेगा, और उसके बाद फिर रिसीवर को जो है वो फाइनल जो है वो डेटा जो है वो मिल जाएगा। आई होप कि आपको OSI मॉडल जो है वो समझ आ गया होगा कि ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लेयर्स काम करती हैं। ये एक रेफरेंस मॉडल है, ये रिसर्चर्स को और डेवलपर्स को हेल्प करता है कि किस तरह से उन्होंने हर स्टेप के ऊपर काम करना है और चीज़ों को लेकर चलना है आगे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स जो हैं वो आपको lecturesclub.com की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है ताकि मैं मज़ीद वीडियोस भी जो है वो अपलोड करूं, नेटवर्किंग के हवाले से भी और दूसरे सब्जेक्ट्स के हवाले से भी। बाय बाय।